नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा की बयानबाजी की वजह से उदयपुर जैसे दुखद मामले सामने देखने को मिल रहे हैं। वह एक पार्टी की प्रवक्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह कुछ भी बोल सकती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की बात को लेकर कहा कि हमने डिबेट को देखा है जिसमें नुपुर शर्मा के तौर पर कथित तौर पर शर्मनाक बयान दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे ये भी कहा कि नुपुर शर्मा के बयान ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़काया है। आज जो कुछ हो रहा है देश में, उसके लिए वह जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस ने जो कुछ किया उस पर हमारा मुंह मत खुलवाएं। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। यह टिप्पणी उनके घमंडी रुख को दिखाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा थी, अगर वो वाकई में माफी मांग लेती तो शायद इतना मामला आगे नहीं बढ़ता। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि नुपुर शर्मा की शिकायत के आधार पर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं तमाम सैकड़ों की संख्या में जो FIR हुई है नुपुर शर्मा के खिलाफ, लेकिन नुपुर शर्मा आज भी गिरफ्तार नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इशारा भारतीय जनता पार्टी पर भी साधा है। उन्होंने बताया कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में जो पुलिस काम कर रही है वो वाकई में संविधान के खिलाफ है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना आगे क्यों बढ़कर बोलना पड़ा? अब मामला कुछ इस कदर था क्योंकि जब जुबैर की गिरफ्तारी हो चुकी थी तो जुबैर की गिरफ्तारी के बाद नुपुर शर्मा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जबकि भड़काऊ भाषण नुपुर शर्मा ने दिया था, ना कि जुबैर ने। जुबैर ने तो पूरा ही मामले को उठाया था और सबको सच दिखाने का काम किया था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक बहरहाल ये पता नहीं लगाया जा सका है कि जुबैर को कहां रखा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की बात की जाए तो नुपुर शर्मा लगातार ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा खुद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की ही अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उनके बयान ने पूरे देश में अशांति फैला दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नुपुर शर्मा का बयान ही उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण वारदात के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा की अर्जी पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा। इसके बाद नुपुर शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अर्जी वापस ले ली। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि एक टीवी चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा ऐसे मामले पर डिबेट करने का क्या मकसद था जो पहले ही न्यायालय के अधीन है, और नुपुर शर्मा को भी ऐसे बयान देने की क्या जरूरत थी। बीजेपी से निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा ने पैगंबर विवाद में उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई सभी FIR को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ लगभग एक दर्जन FIR दर्ज कराई गई थी। नुपुर शर्मा की ओर से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने बयान को वापस ले लिया और इसके लिए माफी भी मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के वकील से कहा, उन्होंने बहुत देर कर दी और उन्होंने सशर्त अपना बयान वापस लिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो माफी मांगती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने पर शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि देश के मजिस्ट्रेट उनके लिए बहुत छोटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की बयानबाजी पर सवाल किया और कहा, अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आपके पास इस तरह के बयान देने का लाइसेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह से नुपुर शर्मा ने देश भर में भावनाओं को उकसाया, वैसे में ये देश में जो भी हो रहा है उसकी अकेले जिम्मेदार हैं। इस पर नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने दलील दी कि नुपुर कहीं नहीं जाएंगी और जो एजेंसी जब भी जांच के लिए बुलाएगी वो पूरा सहयोग करेंगी।